स्वागत है आपका लाइव मध्य प्रदेश में और आपके साथ मैं हूं शाहनवाज सुल्तान। चलिए खबरों के खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। बुरहानपुर में अपनी आंखों के सामने अपनी मां को कुचलता देखकर एक बेटे का कलेजा फट गया। ये घटना बस स्टैंड के पास हाईवे मार्ग की है। शहर का बहादुरपुर निवासी समाधान अपनी मां कमलाबाई को आंखों की जांच की रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल ले जा रहा था कि बस स्टैंड के पास हाईवे मार्ग पर पीछे से आ रहे ट्रक ने कमलाबाई को चपेट में ले लिया। करीब आधा किलोमीटर से ज्यादा कमलाबाई ट्रक के पहिए से कुचलते हुए गई, जिससे उसकी मौत हो गई। किसी तरह बेटे ने ट्रक का पीछा कर उसे पकड़ा। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। सर, मैं आंखों का ऑपरेशन करने के लिए जा रहा था सर, मेरी नानी का। तो किरण पिथुला जी से वहाँ से रिपोर्ट निकाल के लाई हमने और यहाँ से रिटर्न होकर बुरहानपुर बहादुरपुर के रोड पे जा रहे थे। सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे रिपोर्ट लेने के लिए। और बस स्टैंड के सामने उधर से बस आ रही थी, मैंने गाड़ी एकदम स्लो कर दी, रोक दी और पाँव से ढकेल के धीरे धीरे जा रहा था। वो पीछे से ट्रक वाला आया साहब, कम से कम 150-200 की स्पीड में थी उसकी गाड़ी, और जो उठा के फेंका तो मेरी मम्मी को जगह पर स्पॉट कर दिया और मेरे को घसीटते हुए कम से कम 20 से 25 फिर मेरे को घसीटते हुए ले गया। मेरे पूरे हाथों को भी लगा।